दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सात जादुई जलपरी बहनों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले किसी समुद्र के किनारे सात जादुई राजकुमारी जलपरी बहनें रहा करती थी। वो सातों अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके हमेशा मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद किया करती थी। फिर एक शाम वो सातों बहनें समुद्र के किनारे आराम कर रही थी, तभी उन्हें एक सौम्या नाम की लड़की रोती हुई दिखाई देती है। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे एक भी मछली नहीं मिली, अब मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? सौम्या की बातें सुनकर सातों बहनों को उस पर बड़ा तरस आता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती हैं। उसके बाद सातों बहनें सौम्या के पास पहुंच जाती हैं। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम तुम्हें एक जादुई अंगूठी देते हैं। उसके बाद जलपरियां अपनी जादुई शक्तियों से वहां पर एक जादुई अंगूठी प्रकट कर देती हैं और सौम्या से कहती हैं, ये एक जादुई अंगूठी है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस जादुई अंगूठी से मांग लेना, ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगी। मुझ गरीब की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और मेरे परिवार वाले जिंदगी भर आप सभी को दुआएं देंगे। तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक हमारे पास चली आना। हम सातों बहनें इसी समुद्र द्वीप पर रहते हैं। हे जादुई अंगूठी, मुझे सुंदर से कपड़े दे दो। सौम्या के इतना कहते ही उसके फटे पुराने कपड़े सुंदर से कपड़ों में बदल जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। उसके बाद सौम्या खुशी खुशी उस जादुई अंगूठी को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। फिर अगले दिन से सौम्या उस जादुई अंगूठी से ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े मांगती है और अपना एक बड़ा सा बुटीक खोल लेती है और बहुत सारे पैसे कमाने लगती है। फिर एक दिन सौम्या बाजार से खरीदारी करके लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे उसकी एक सहेली पायल मिलती है। अरे क्या बात है सौम्या, आजकल तू तो बहुत ठाट बाट से रहने लगी है, लगता है तुझे कोई खजाना मिला है। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी बता दे, मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। सौम्या को पायल की बुरी हालत पर तरस आ जाता है और वो सौम्या को सातों जलपरी बहनों के बारे में सब बता देती है। वो सातों बहनें बहुत दयालु हैं, तो उनके पास जाकर मदद मांग, उसके बाद तेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सुनकर पायल बहुत खुश होती है और उसी शाम जलपरी बहनों से मदद मांगने के लिए समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। लेकिन उस समय सातों बहनें गहरी नींद में सो रही थीं। तभी पायल को फूलों के ऊपर सात जादुई छड़ियां दिखाई देती हैं। जादुई छड़ियों की चमक देखकर पायल की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। जादुई छड़ी तो बहुत शक्तिशाली होती है, अगर ये सातों छड़ियां मैं अपने साथ ले जाऊं, तो मैं इनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर लड़की बन सकती हूँ। इस तरह से पायल के मन में लालच आ जाता है और वो चुपके से सातों जादुई छड़ियों को उठाकर अपने घर ले जाती है। उसके बाद पायल उन सातों छड़ियों की शक्तियों का इस्तेमाल करके ढेर सारी दौलत प्रकट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जलपरियों की छड़ी चोरी हो जाने से जलपरियों की सारी शक्तियाँ छीन जाती हैं और वो सभी बुरी तरह से बीमार होकर कमजोर पड़ जाती हैं। फिर अगले दिन सौम्या सातों बहनों से मिलने के लिए उनके पास आती है। अरे ये क्या हुआ अचानक तुम्हें? तुम सभी इतनी कमजोर कैसे हो गई? किसी ने हमारी जादुई छड़ियाँ चुरा ली, अगर जल्दी हमें हमारी जादुई छड़ी वापस नहीं मिली तो हम सबकी मौत हो जाएगी। लगता है ये काम पायल का है, उसने लालच में आकर इनकी छड़ियाँ चुरा ली है, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ।
उसके बाद सौम्या सीधा पायल के घर पहुंच जाती है। पायल के घर पर ढेर सारे पैसे और तरह तरह की कीमती चीजें देखकर सौम्या हैरान रह जाती है। देख पायल, तूने उन सातों बहनों की छड़ियाँ चुराई है, चल सीधी तरह से मुझे छड़ी वापस कर दे, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी पायल छड़ी की शक्ति से वहाँ एक कोड़ा प्रकट कर देती है। उसके बाद वो कोड़ा सौम्या की खूब पिटाई करता है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, आ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। चल भाग जा यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। उसके बाद सौम्या रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन रात होते ही सौम्या वापस चुपके से पायल के घर में घुस जाती है और पायल के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है और उसके घर में जाकर छिप जाती है। फिर वो खाना खाते ही पायल बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी सौम्या जलपरियों की सारी छड़ियों को उठाकर उन जलपरी बहनों के पास चली जाती है और उन्हें उनकी जादुई छड़ी वापस कर देती है। अपनी शक्तियाँ वापस आते ही वो सातों बहनें पायल को सबक सिखाने का फैसला कर लेती हैं। फिर वो अपनी जादुई शक्ति से पायल को हवा में उड़ाकर समुद्र के किनारे ले आती हैं। तभी पायल को होश आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है, अचानक मैं यहाँ कैसे आ गई? और ये क्या, इन सातों को इनकी जादुई छड़ियाँ कैसे मिल गयी? बुराई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अच्छाई से कभी भी नहीं जीत पाएगी। अब हम सातों तुझे तेरे लालच का फल देंगे। आज से तू हमारी नौकरानी बनके हमारी सेवा करेगी, समझी तू? फिर अगले ही पल पायल के गले में एक जादुई पट्टा प्रकट हो जाता है। उसके बाद मजबूर होकर पायल हमेशा के लिए सातों जलपरी बहनों की नौकरानी बनकर उनकी सेवा करने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, गहरे समुद्र के नीचे एक जलपरियों का देश था। उसमें बहुत ही सारी खूबसूरत जलपरियाँ रहा करती थीं। उन्हीं जलपरियों में मीनाक्षी नाम की एक रानी जलपरी थी। वो बहुत ही जिद्दी और घमंडी रानी थी। कोई भी उस रानी जलपरी का कहना नहीं मानता था तो बदले में वो उसे कठोर दंड देती थी। सभी जलपरियाँ उसके इस व्यवहार से अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे कोई भी जलपरी अपने से ज्यादा यदि सुंदर दिख जाती तो वो उसे बदसूरत बना देती थी। एक दिन कुछ जलपरियाँ पार्टी कर रही थी, तभी वहाँ पर रानी जलपरी आती है। अरे तुम सब ये क्या कर रही हो, ऐसा घटिया म्यूजिक सुनकर मेरा सर फटा जा रहा है, तुम जल्दी से इस घटिया म्यूजिक को बंद करो। रानी जलपरी, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए आज जल लोक में पार्टी है, आप थोड़ी देर और पार्टी चलने दीजिए, मैं आवाज़ थोड़ी कम कर देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, एक बार जब मैंने बोल दिया यहाँ पर पार्टी नहीं होगी मतलब कोई पार्टी नहीं होगी। मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को कठोर दंड दूंगी। इतना कहकर रानी जलपरी वहाँ से चली जाती है। ये रानी माँ तो बहुत दुष्ट है, हमें कुछ भी नहीं करने देती, सब कुछ इसी की मर्जी से होता है। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, पता नहीं इस दुष्ट रानी से हमारा पीछा कैसे छूटेगा। सभी जलपरियाँ परेशान होकर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं रानी जलपरी सूरज नाम के एक जलपरे से प्यार करती थी। एक दिन वो उस जलपरे के पास जाती है। सुनो जलपरे, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम बहुत ही दुष्ट और मतलबी रानी हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना कर रहा है, समुद्र की रानी को मना कर रहा है? सुन मूर्ख, मैं प्यार से बोल रही हूँ, मुझसे शादी कर ले, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तुझे जो करना है वो तू कर सकती है, मैं तुझसे शादी कभी भी नहीं करूँगा, चाहे तू इसके बदले मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दे। जलपरी की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। रानी उसी समय उसकी सारी शक्तियाँ उससे छीन लेती है।
अब तू एक मामूली इंसान है। अब तू पृथ्वी लोक पर एक मामूली इंसान की तरह ही रहेगा। ठीक है, मैं पृथ्वी लोक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होऊंगा। जलपरा खुशी खुशी पृथ्वी लोक पर चला जाता है और एक आम इंसान की तरह रहने लग जाता है। पृथ्वी लोक पर उसकी मुलाकात अलीशा नाम की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। इसी तरह खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद अलीशा और सूरज के जुड़वा लड़का और लड़की होते हैं। वो लड़की का नाम आशना और लड़के का नाम आरव रखते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दोनों बच्चे जलपरा और जलपरी बन जाते हैं। वो दोनों भाई बहन ही बहुत ही समझदार और बहुत ही शक्तिशाली थे। एक दिन रानी जलपरी पृथ्वी लोक पर जा रही थी, तभी उसे सूरज अपनी पत्नी के साथ नजर आता है। रानी जलपरी सीधा सूरज के पास जाती है। नालायक आदमी, कौन है ये तेरे साथ? ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुझे इस लड़की में ऐसा क्या नजर आया जो तुझे मुझ में नहीं दिखा? मैं इससे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ और शक्तिशाली भी हूँ। अगर तू मुझसे शादी कर लेता तो महलों में आराम की जिंदगी जी रहा होता। अभी भी समय है मूर्ख, मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे अपने महल वापस ले जाऊंगी। तुझे ये मामूली लड़की लगती होगी, लेकिन मुझे नहीं। तू शक्तिशाली भले ही होगी, लेकिन मेरी पत्नी तुझसे भी ज्यादा समझदार और दयालु है। अरे तू तो एक घमंडी औरत है, तुझसे शादी करना तो दूर, मैं तुझे देखना तक पसंद नहीं करता। सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी फिर से गुस्सा हो जाती है और सूरज को बंदी बना लेती है। मैंने तुझे पृथ्वी लोक पर भेजकर बहुत बड़ी गलती की है, तू तो यहाँ मजे से जिंदगी जी रहा है। अरे तुझे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। वो सूरज को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे अपने जेल में डाल देती है। अब तू जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा, देखती हूँ तेरी बीवी तुझे कैसे बचाती है। फिर उसकी पत्नी अलीशा समुद्र के पास आकर जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर दो जलपरियाँ आती हैं। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी घमंडी रानी जलपरी ने मेरे पति को बंदी बना लिया है, उन्हें जेल में डाल दिया है। मैं उन्हें बचाने आई हूँ, प्लीज प्लीज मेरे पति को लौटा दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। देखो हम तुम्हारा दुख दर्द समझ सकते हैं, लेकिन हमारी रानी बहुत ही घमंडी और दुष्ट है, वो किसी की बात नहीं सुनती। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगी, इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ से वापस लौट जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। जलपरियों की ये बात सुनकर अलीशा वहाँ से चली जाती है। माँ आप रो क्यों रही हो? अलीशा अपने बच्चों को वो सारी बातें बताती है। माँ वो तो बहुत ही दुष्ट जलपरी है, वो पिताजी को उठाकर क्यों ले गई है माँ? अचानक से अलीशा बेहोश हो जाती है। दोनों बच्चे अपने जादू से उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं। दीदी हमें अपने पिताजी को उस दुष्ट रानी से छुड़वाना होगा। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पिताजी कहते थे कि हम दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। अब हम अपनी शक्तियों से अपने पिता की रक्षा करेंगे। तभी उनकी माँ को होश आ जाता है। सूरज कहाँ हो? सूरज बिटिया तुम्हारे पिताजी कहाँ है, तुमने उन्हें देखा क्या? शांत हो जाइए माँ, पिताजी को दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। लेकिन आप चिंता ना करें माँ, हम आपसे वादा करते हैं, हम अपने पिताजी को सही सलामत आपके पास लेकर आएंगे। उसके बाद दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों समुद्र के पास जाते हैं, तभी उन्हें एक जलपरी दिखाई देती है। अरे तुम दोनों जलपरा और जलपरी जमीन पर क्या कर रहे हो? जल्दी से पानी में आओ, नहीं तो तुम मर सकते हो। नहीं हमें कुछ भी नहीं होगा, हम पृथ्वी पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। क्या ऐसा कैसे हो सकता है, जलपरा और जलपरी तो पानी में ही रहते हैं, फिर तुम पृथ्वी पर कैसे रह सकते हो?
क्योंकि हम एक जल परी और इंसान दोनों के बच्चे हैं, इसीलिए हमारे अंदर जल परी और इंसान दोनों की ताकतें हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमारे पिताजी को तुम्हारी दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। आप हमें हमारे पिताजी को बचाने का उपाय बताइए। हमारी रानी जलपरी बहुत ही दुष्ट है, वो किसी को भी माफ नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद इस बार जरूर करूंगी। उसके बाद वो जलपरी रानी के पास जाती है। रानी जलपरी, पृथ्वी से बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए हैं। उनके पास एक ऐसी फेस क्रीम है जिसके लगाने से इंसान हमेशा के लिए जवान और सुंदर हो जाता है। वैसे तो मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मुझसे सुंदर कोई भी नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी उन लोगों से फेस क्रीम मैं जरूर लूंगी। एक काम करो, उन्हें अंदर लेकर आओ। दोनों भाई बहन रानी जलपरी के पास जाते हैं। तुम दोनों जल्दी से वो फेस क्रीम मुझे दो, अगर मैं सबसे सुंदर नहीं हुई तो तुम दोनों को मैं कारावास में डाल दूंगी। नहीं नहीं रानी जी, हमारी क्रीम बहुत अच्छी है, हमने पहाड़ों से जड़ी बूटियां ढूंढ ढूंढ कर इस क्रीम को बनाया है। उसके बाद दोनों भाई बहन रानी जलपरी को वो क्रीम दे देते हैं। रानी जी, मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाने आते हैं, मैंने अपने हाथों से आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। क्या आप कुछ गुलाब जामुन खाना चाहेंगी? गुलाब जामुन का नाम सुनते ही रानी जलपरी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जल्दी से गुलाब जामुन मुझे दे दो। दोनों भाई बहन गुलाब जामुन रानी जलपरी को देते हैं। रानी जलपरी वो गुलाब जामुन खाती है, उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। दोनों भाई बहन अपनी शक्तियों से रानी जलपरी को एक जादुई गोले में कैद कर देते हैं। उसके बाद वो सभी जलपरियां वहां इकट्ठी हो जाती है और दोनों भाई बहन के लिए तालियां बजाती है। फिर वो दोनों अपने पिता को जेल से आजाद कराते हैं। उसके बाद सभी जलपरियां दोनों भाई बहन को रानी और राजा जलपरी बना देते हैं। उसके बाद सभी जलपरियां समुद्र में खुशी खुशी रहने लगती है।